स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट विथ डेसिमल। आज हम लोग जो सीखेंगे वो स्क्वायर रूट भी सीखेंगे लेकिन डेसिमल वाला सीखेंगे। डेसिमल अगर बीच में हो तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको हिंदी में वर्गमूल भी बोलते हैं। मैंने लिखा है वर्गमूल दशमलव वाला, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर बीच में इसमें दशमलव आ रहा है तब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें अगर डेसिमल आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग लेके चलते हैं। देखिए आगे कैसे करेंगे इसको, तो वीडियो लास्ट तक आप लोग इसको देखते रहेंगे तभी सीख पाएंगे। अगर बीच में निकल जाएंगे तो पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो ये सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहना है और देखने के बाद ही अगर आपको समझ में आया होगा तभी लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए तो हम लोग इसमें स्क्वायर रूट में सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। लेफ्ट से नहीं, यहाँ यो आपका राइट साइड से इधर से पेयर बनाते हैं। ये दो नंबर को पेयर बनाएंगे, फिर ये दो नंबर को पेयर बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल नंबर बच रहा है तो इसको एक ही नंबर को बनाएंगे, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिवाइड जैसे करते हैं उस तरह से स्टार्ट करेंगे। अब सिक्स को डिवाइड करेंगे। सिक्स को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि सही सही कट जाए, तो देखते हैं। अगर टू से करेंगे तो टू टू जाए फोर, और थ्री से करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, तीन तीन नौ, तो हम लोग इसको टू से ही करेंगे। टू जा फोर, छः में से चार गया, दो बचा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम इसके बाद डेसिमल आता है, डेसिमल को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। अब डेसिमल के बाद देखिए नंबर जो है पेयर में उतारेंगे। हमेशा हम लोग नंबर को नीचे डिवाइड में भी उतारते हैं, यहाँ भी उतारेंगे, नंबर को पेयर में उतारेंगे, नीचे उतारे। अब इसको डिवाइड करना है। अब ये जो दो नंबर है, दो नंबर को हम जोड़ दिए, ठीक। अब ये ऐसा नंबर जो है इस पे डालना है कि इससे ये डिवाइड हो जाए। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि मान लीजिए टू डालते हैं, तो टू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, टू से इंटू भी करना है, बयालीस दोना चौरासी हो जाएगा। थ्री से भी नहीं होगा तो हम सीधे फाइव लेके चलते हैं। अगर फाइव लेके चलते हैं तो इंटू करेंगे फाइव से, कितना होगा, पाँच पच्चे पच्चीस का पाँच, बाकी दो, चार पच्चे बीस और दो बाईस। अब माइनस करेंगे, दस में से पाँच गया पाँच, और यहाँ बचा तीन, तीन में से दो गया एक, और यहाँ क्या लिखेंगे, पाँच बार में गया, यहाँ पाँच लिखेंगे। चलिए अब इसको हम लोग उतारेंगे फिर पेयर में, जीरो और नाइन, जीरो और नाइन उतारेंगे। अब देखिए इसको हम लोग, यहाँ मैंने क्या लिखा था, पाँच। अब इसमें भी पाँच को फिर नीचे आएंगे तो पाँच को जोड़ देंगे हम लोग, जिससे डिवाइड किए उसको जोड़ना भी है, मतलब कि पैंतालीस और पाँच पचास, और फिर एक जगह छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक। पैंतालीस और पाँच जगह छोड़ेंगे। अब इस नंबर को डिवाइड करना है ऐसे नंबर से, देखिए ये यहाँ कट गया था, इसको क्रॉस कर देते हैं पहले। अब ऐसा नंबर इसमें डालेंगे जिससे ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। देखिए अगर तीन से हम लोग डालते हैं तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तीन तियाई नौ, जीरो, पाँच तिया पंद्रह, ये देखिए ये पूरा कट गया, ठीक। चार नंबर है, चार बार कटेगा। अब ये कितना बार में यहाँ पे जाएगा, इस नंबर को डिवाइड किए तो ये यहाँ पे फिर हम लोग तीन उतारेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो अगर वर्गमूल समझ में आया होगा या स्क्वायर रूट समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका आंसर देखिए कितना आया, ये आपका आंसर हुआ 2.53, ये स्क्वायर रूट हुआ।